आज हम इस वीडियो में बेबी फ्रॉक में राउंड नेक बनाएंगे, फोल्ड राउंड नेक। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना नीटिंग पैटर्न्स। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जी मैंने बेबी फ्रॉक बनाई है, इसमें गला कैसे बनाएंगे ये बताऊंगी। ठीक है, इस तरह का गला देखो, देखो ये राउंड नेक कैसे बनाएंगे ये बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये इसको कम किया है। ठीक है, इसको कम से कम ना जैसे अब हमारे ये टोटल कुंडे हैं 130 प्लस 130, ठीक है 260 कुंडे टोटल। ठीक है, तो कम से कम हमने इसमें 100 कुंडे करने हैं, कम से कम 100 कुंडे या ज़्यादा से ज़्यादा 110 कुंडे, बस इतने कुंडे हमने ये कम करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से डालो कि ये कुंडे कम हो जाए। ठीक है, तो इसको डाल लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम इसको लगाएंगे और इसको इस तरह से कुंडे कम करेंगे। ठीक है, आप एक वाला ट्रांसफर टूल लो या फिर आप तीन वाला लो या दो वाला, जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरह से कुंडे उठा लो। ये देखो, जैसे हमने इसको यहाँ लगाया है 55 से लगा लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दो या तीन कुंडे इस तरह से उठा सकते हो या तीन वाले ट्रांसफर टूल से भी आप उठा सकते हो। देखो हमारा जैसे ये ट्रांसफर टूल लेके इस तरह से, देखे जैसे आपको इजी लगे उस तरह से उठा लो कुंडे। ये देखो ऐसे, ठीक है, तीन तीन कुंडे इसको निकाल के हमने इसमें वापिस डालने। ठीक, आप इस तरह से डालो, देखो एक दो और तीन कुंडे। ठीक, एक मिनट में, ठीक है, मतलब ये कुंडे कम करने हैं, आप जिस तरह से डालना चाहो इस तरह से डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम धागा निकाल लेंगे, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकालना है जहाँ जहाँ ये लग गए, तो ट्रांसफर टूल की सहायता से इस तरह से कुंडे करके ये देखो हम इजिली धागा निकाल सकते हैं। ये देखो, ठीक, ये देखो, ठीक है, तो इस तरह धागा निकालेंगे और साथ में दूसरा पल्लव लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने 55 से 5 तक प्लस 2, ठीक, तो इसमें हमने 52 कुंडे उठाए हैं और इतने ही कुंडे हम इस साइड में उठाएंगे। ठीक है, इस साइड भी इतने ही कुंडे उठाएंगे। ठीक, लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखो, एक कुंडा हम इसमें डाल लेंगे और एक दो और ये तीन इस तरह से। ठीक है, एक दो और ये तीन कुंडे एक निकल में। ठीक है, फिर दो कुंडे बीच बीच में हमने दो कुंडे भी डालने हैं इस तरह से, तीन कुंडे फिर दो कुंडे। इसमें हमने 104 कुंडे उठाए, यानी कि 55 से हमारे यहाँ स्टार्ट हुए और एक कम 50। ठीक है, तो 104 कुंडे, ठीक है, 104 कुंडे उठाए हमने, यानी कि 55 to 49। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पहले वेट लगाएंगे इस तरह से। वेट लगा लिया हमने, मैरून कलर का बॉर्डर बनाना है तो मैं मैरून कलर इसमें लगाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला कैज मेरा थोड़ा लूज बुनता है। ठीक है, दूसरे कैज में मैंने इसको 8 नंबर पे बनाया था बॉर्डर, तो इसमें मैं 7 नंबर पे बनाऊंगी, क्योंकि ये कि आगे के वीडियो में शॉप पे बना रही हूँ अपनी। ठीक है, वो मैंने घर में बनाई थी, आगे की वीडियो शॉप पे बना रही हूँ, तो ये कैज मेरा थोड़ा लूज बुनता है, तो इसको मैं 7 नंबर पे बॉर्डर बनाऊंगी। ठीक है, और इसको धागा लगा लेते हैं। ठीक, इस तरह से सात नंबर हमने सेट कर दिया, अब हम कैज लगाएंगे इस तरह से आराम से। ठीक है, एक हमारी होगी, एक सिलाई लगाने के बाद हम मतलब इसको देखो ना, ये थोड़े जैसे डबल डबल तीन तीन कुंडे एक जगह थे, तो इसको आगे कर लो। ये हमारी होगी दो सिलाई है। ठीक, ये मैंने 29 सिलाई लगा ली। ठीक है,
तो आप अपने अनुसार लगा सकते हो, जितना आपने चौड़ा बनाना हो बॉर्डर, तो 29, 24, 27 या 31 जितनी आप लगाना चाहो उतनी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हम इस तरह से भी ऊपर कुंडे उठा सकते हैं इस ट्रांसफर टूल की सहायता से, इस तरह से। ठीक है, ये भी उठा सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बंद करूंगी, बाहर ही 29 सिलाई होगी। अब हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। देखो, इस तरह से बंद कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया, ये देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये धागा काट लेंगे, इधर पीछे करेंगे, आपको दिखाती हूँ अब हमें क्या करना है आगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये गला। ठीक है, तो आप चाहो तो कोई मशीन में भी मतलब ट्रांसफर टूल की सहायता से इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सुई से करके फिर आपको क्रोशिया वर्क आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा इस तरह से, ये देखो हमारा इस तरह से बन के आएगा। ये देखो, ये हमारा इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये गला रेडी होगा। ठीक है, तो फिर इसको सुई की सहायता से सिल के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।